यहाँ पे कपड़े ड्राई कर रही है, देखो यहाँ पे बैठ गए हैं यहाँ पे कपड़े। ओ माय गॉड लुक एट द बारिश। कम से कम एक डांस कर फैमिली डे आउट तो बन से। यस अभी हम जा रहे हैं कुछ नीचे पहनी है कि ऐसे ही चल रही है। ओह इफ बना खाना बनाते बनाते हो रहा है यहाँ पे रोमांस हो गया बंद कर। दिन कितना मुश्किल से कटेगा। आ जाएगी तो आज बन मीना ठक्कर जी आज अब क्या बना रही हैं? मैं लिट्टी बना रही हूँ बिहार की फेमस। ओके चलो स्टार्ट। तो ये है सत्तू, ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये जो रोस्टेड चने होते हैं उसे पीस के बनाया जाता है। आप ऑनलाइन भी इसे परचेस कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन में भी ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च है उसका हमने ग्राइंड कर लिया है बिना पानी ऐड किए। बाकी आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताएंगी हमारी मास्टर शेफ मम्मी। अदरक मिर्चा और लहसुन पीसा था वो मैं मिक्स कर रही हूँ। फिर ये मैं अजवाइन डाल रही हूँ और मंगरेला जिसको कलंजी कहते हैं। ये मैं नींबू डाल रही हूँ, नींबू का रस डाल रही हूँ। बिज्जा न थी उसमें? बिज्जा नहीं है भाई, मैंने सब निकाल लिया है। बिज्जा तो वो दिखाती हूँ ना अभी मैं, ये जाना कितना खराब है। फुलौन फुलौन है मम्मी। फिर इसमें मैं थोड़ी सी धनिया मिक्स कर रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, सिंधा नमक छे। फिर थोड़ा सा सरसों तेल मिक्स कर रही हूँ और अचार। और अचार बस ऑर्डर हो बस। अचार तो है नहीं ए भाई, वो नहीं डालना है जो बिहारी टाइप का रहता है ना। इसमें नींबू का रस ही वो डाल दिए। ये वाला नहीं 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 नींबू का रस डाल दिए ना भाई। यस ओह इफ बना खाना बनाते बनाते हो रहा है यहाँ पे रोमांस। कपल की जरूरत ही नहीं है इन लोगों को, फुलौन चालू है। अभी यहाँ पे आई है हमारी एक दूसरी मास्टर शेफ और वो बना रही हैं लिट्टी के लिए दूध आटा। उसको पूछो गरम डालना है ना, ठंडा दूध भी है चाहिए तो जो चाहिए वो ले लो। देख लो देख। आई लव यू थ्री। क्या थी इतनी किस्मत ही आ गई है हमारी। ये वहां पे छुप के लड़ाई कर रही है। टाइम जो है छे ये सत्तू और आटा रेडी हो चुका है, अब करेंगे हम फिलिंग। तो आपको छोटा सा आटे का लोई बोलते हैं ना, बॉल जैसा लेते हैं रोटी बनाने के लिए, वो लेना है। उसे अच्छे से स्प्रेड करना है और इसमें सत्तू को फिल करने के बाद एक्स्ट्रा जो ऊपर का होता है वो निकाल देना है, क्योंकि फिर क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा रह जाएगा तो वो आटे आटे आएगा, सत्तू का टेस्ट ही नहीं आएगा। तो मैं जाके अभी बैंगन नीचे से लेके आती हूँ, क्योंकि बनाना है बैंगन का भरता, आलू का चोखा और बैंगन का भरता। नहीं सॉरी, बनाना है आलू बैंगन टमाटर का चोखा जो हम खाएंगे लिट्टी के साथ। है drizzling।
ले। कितना हुआ? एक के लिए 20 रुपए। आम चीरो पड़वानो। फुर्सा अड़ता माया खमाने। तू आखमाने। तो आखमाने। हाँ हाँ एक तो तुम खबर अच्छे। इतने से बैगर में लगा दिया। आज बैगर में लगा रहा है ना? इतने से कम के लिए। ले ही देखो। एक। तू कर खुदे। बिल आवा था। तो भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं बॉइल्ड आलू और बैंगन जो था, बैंगन और टमाटर को मैंने अच्छे से सेक लिया था और इसे पील करके रख लिया था। अब हम क्या करेंगे, तीनों को एक साथ मिक्स करेंगे। हाँ, आपको अच्छे से तीनों को एक साथ मिक्स करना है। आई नो आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, बट आपको इसे हाथ से ही मिक्स करना है ताकि वो बहुत अच्छे से मिक्स हो। बाद में इसमें आप कच्ची हरी प्याज और हरी मिर्च डाल दीजिए। फिर इसमें आप लगाइए तड़का। तड़का के लिए मैंने यहाँ पे सरसों तेल लिया है जिसे गर्म किया है मैंने। और फिर उसमें डाल दीजिए जीरा और लाल सूखी मिर्च। जी हाँ, बस आपको यही डालना है। और लास्ट में हींग डालना है, वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी क्योंकि मैं इसमें भूल गई थी बीच में। और हाँ, एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नमक डालना मत भूलिएगा। मैंने यहाँ पे नमक डाला था मगर वो क्लिप लेना मैं भूल गई थी, तो नमक आपको ऐड करना है। पार्सल वो चीज़ में पार्सल आया मुझे कुत्ता का पार्सल नहीं जा रहा, समझ में नहीं आ रहा, बेड फंसा हुआ, इतना प्रॉब्लम है फंस गए हम। और ये हमारा चोखा बिल्कुल तैयार है। अब हम करेंगे लीटी फ्राई। और लीटी फ्राई में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि तेल है जो ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि अगर गर्म होगा तो जल जाएगा। और इसे धीरे धीरे हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो फाइनल हल्के से बस एक तेल मत गरी गई तो मोबाइल मारी ना को नहीं पता तो वो कर लेना बॉईल। नहीं, इसमें अच्छा होते नहीं लग रहा था, बॉईल से ज्यादा तो यही अच्छा लगता है। लंच करके हम इतने थक गए थे कि हम सो गए और अभी हम सोकर उठे हैं। और अब हम जा रहे हैं नॉर्मल नीचे, थोड़ा बहुत मम्मी को सामान लेना है, वो सब लेने मार्केटिंग करने। फैन वाली आवाज़ आ रही गड़ 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 ये फैन चालू रहने से ना बहुत आवाज़ आती है, जो वॉइस है वो क्लियर नहीं हो पाती जिसकी वजह से बंद करना पड़ता। तो अभी हम सब हो रहे हैं रेडी जाने के लिए, तो मैं तैयार होकर फिर आपसे। नथी थोड़ा लूज पैसा स्मार्ट लग से, इसमें थोड़ा लूज पैसा, इसमें थोड़ा लूज पहनाओ। कैसे बहुत सुंदर है ये, बहुत स्टाइलिश लगेगा। हाँ हमारो वीडियो नहीं बनाओ। यहाँ पे कपड़े ट्राई कर रही है, देखो यहाँ पे बैठ गया है, यहाँ पे कपड़े ट्राई कर रहे हैं। Thank you.
करो, तुम्हारा एक्सरसाइज करो, तुम्हारा वीडियो बनाए दो। अभी ये हीरोइन खड़ी हुई, देखिए हमारे घर में बहुत ज्यादा जोरो चला हुआ है एकदम। ओ हो और साथ में ये एक और हमारे मेरे घर में डाइट आई, डाइटिशियन आई है, हेल्दी फिटनेस फ्री, जो खा रही है ये मथाना। ओ माय गॉड, और मैं क्या खा रही हूँ आपको दिखाती हूँ, रुको। मैं खा रही हूँ शहर वाली लीटी। यस मैं खा रही हूँ लीटी। से आ चुके हैं शॉपिंग करके, बहुत ज़्यादा बारिश थी इसीलिए आगे का ट्रैवलिंग में कुछ भी वीडियो नहीं ले पाई। तो जो भी शॉपिंग करके आए, चलिए पहले आपको मैं दिखाती हूँ कि हम लोग वहाँ से क्या लेकर आए। वन बाय वन, सबसे पहले ये वाइट कलर का ब्यूटीफुल सा फ्रॉक, और बहुत ही रिजनेबल था, इसीलिए आप चाहे तो वहाँ पे जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं, शर्त है कि आपके टाउन में वीडियो होना चाहिए। नहीं तो ये ड्रेस लेके आए हम लोग वहां से, और ये मेरी सिस्टर का है, ये लिया है मम्मी के लिए, और ये ब्यूटीफुल सा कप्तान भी मम्मी के लिए। ये कप्तान भी मम्मी के लिए है, बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं मम्मी करो, ये पैंट प्लाजो मम्मी के लिए। ये वाला ड्रेस मेरे लिए, छोटा सा प्रॉप मैंने अपने ले लिया है, और ये वाला भी मम्मी के लिए। ये वाला फ्रॉक भी सिस्टर के लिए, ये वाला फ्रॉक प्रियंका का है, और ये ऐसा और ये ऐसा, ये दोनों हम लोगों ने एक जैसा लिया एक दूसरे के लिए। नहीं ये हम लोग पहन के फोटो क्लिक करेंगे, फिर मैं इंस्टाग्राम में देखूंगी डालूंगी। आप इंस्टाग्राम में जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे पिक्चर्स एंड अपडेट्स मिलेंगे वहां पे। सो ये ऐसा सेम है साइज, दो हम लोगों ने एक दूसरे के लिए लिया। ये वाला पैंट कट्टू के लिए, ये हस्बैंड के लिए, और ये वाला पापा के लिए टी शर्ट। ये भी क्या बोलना है, ये पापा के लिए। एंड देन फिर हम लोगों को वहाँ पे 100 रुपीज में बहुत अच्छे से शावर जेल्स मिल गए थे, तो हम लोगों ने शावर जेल लिए। लैवेंडर का है, सिट्रस है, बेरी ब्लास्ट है, चेरी ब्लॉसम है। मम्मी वीडियो बनाओ छो चिल्लाओ छो। और ये शीट मार्क्स वहाँ पे ओनली 49 रुपीज, ये सबसे बेस्ट डील मेरे को वहाँ पे लगी। मैं अभी तो सिर्फ एक लेके आई हूँ ट्राई करने के लिए, मैं नेक्स्ट टाइम जाके अच्छे से अच्छे अच्छे शीट मार्क्स लेके आने वाली हूँ। तो यार दिट्स ऑल डन, और क्या शॉपिंग की है हम लोगों ने। मैंने ये दो दिन का व्लॉग कंटिन्यू किया था, तो मैं अभी आपको हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की अभी तक मैं वो दिखाती हूँ। तो चलिए मैं आपको और एक चीज़ दिखाती हूँ कि मैं वहाँ से क्या लेकर आई, वीडियो से नहीं, मतलब हम लोग मार्केट से क्या शॉपिंग की हम लोगों ने। तो हम लोग वॉच के लिए गए थे ना, तो हम लोगों ने ये वाली एक पापा के लिए बहुत ही अच्छी सी बेरिंग की वॉच ली है। तो दिस इज द ब्यूटीफुल वॉच, बहुत ही प्यारी वॉच है, एकदम ग्रे टील कलर में है, बहुत ही सुंदर सी वॉच है। So, ये पापा के लिए लिया है, और ये एक लिया है पूजा का सामान धनलक्ष्मी ज्वेलर्स से। मुझे बिल लेना है।
ये हम लोगों ने सिल्वर की प्लेट दी है पूजा के लिए माता जी के लिए, और ये पूरा ऑलमोस्ट सारा जो पूजा का सामान है वो लिया है। ये मम्मी पूजा घर की रखी माता और ये झाड़ी थी जो हम बेसिकली यूज करते हैं वो, और ये छोटा सा एक लोटस का फ्लावर सिल्वर का। तो अभी ये हमारी इतनी शॉपिंग पिछले दो दिनों से हुई है। तो यहाँ पे पापा के साथ वीडियो कॉल चल रहा है, वो बहुत मिस कर रहे हैं देखो। ये लुचुआ लुची और ये है मेरी प्यारी सी लूसू, हमारी डॉगी। मम्मी चली गई है तो मम्मी को बहुत याद कर रही है, कैमरा देख देख के रो रही है, इसलिए बात छा रही है। आज जो है नेक्स्ट डे, और आज भी मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ बिकॉज आज हम कहीं जाने वाले हैं। और मैं इससे पहले आपको दिखाती हूँ मौसम कैसा है, बारिश रुकेगी उसके बाद ही हम कहीं जा पाएंगे। तो आज मैं आपको अभी दिखाती हूँ बारिश कैसी है, मौसम कैसा है। तय किया कि हम बारिश में ही जाएंगे बिकॉज शॉपिंग। तीन दिन से इसने नहाया नहीं है और ये इस तरीके से बिना नहाए घूम रही है। इमोशनल डैमेज। ये कपड़ा पहन के घूम, ची 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 गंदा बड़ी कर रहा है। देखो मम्मी बोल रही मेरी बेटी को बदनाम मत करो। धारी के साथ मार्केट आधा ना बस कर भाई और पागल करके पिता छोड़ दे। अभी हम जा रहे हैं कुछ नीचे पहनी है कि ऐसे चल दी है। अरे कहना क्या चाहते हो? हाय हाय इतना खराब बेइज्जती, मैं पहन के निकली, बताओ इसको कैसे, इनको लगता है मेरी बेटी बिल्कुल नालायक है, कोई काम की नहीं है, और हम बारिश में भींगते हुए जा रहे हैं। बारिश और बारिश। वीडियो कॉल में देखिए अब क्या निकले हैं, अब हम जा रहे हैं अपने स्टोर। हाँ हाँ आप चले जाओ, आप चले जाओ, ठीक है चलो। ओह माय गॉड लुक एट द बारिश। ओहो क्या मुश्किल से हम बारिश में भींग कर जैसे जैसे पहुंचे हैं और अभी घर आए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ, और इनके जाने का टाइम भी हो गया। पैकिंग ने पैकिंग भी स्टार्ट कर दी है, कल मॉर्निंग में ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। वेरी सैड नहीं मम्मा? मम्मा कल तुम बाहर जा सो मम्मा। चले आ जाएंगे ना फिर, तुम आना आप। अभी वो सब दिन कितना मुश्किल से कटेगा। आ जाएगी तो क्या करें। कोई नहीं, अभी चलो फटाफट करते हैं यहाँ पे पैकिंग, उसके बाद फिर हम डिनर के लिए बाहर जाने वाले हैं। तो इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। फैमिली डे आउट तो बन से ऑल आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग। इतनी बारिश है और हम ओली को बैठो, तुम्हें ओली को रात दरवाजा गाड़ी खोलो दो वो। मम्मी बच्चे पैसे फाइनली इसने अभी शाम के टाइम में नहा लिया। नाउ शी इज नॉट बैड गर्ल, शी इज गुड गर्ल। आओ हूँ अब मैं युद्ध के मैदान में कूदूंगी बारिश में भींगते हुए। जा मेरे तो पूरे चप्पल गए।
हम गए बारिश में गरम गरम सूप पीने और साथ में डिनर करने के लिए। बस ऐसा ही गुजरा आज का दिन और फिर हो गया नेक्स्ट डे, यस लास्ट डे। और मॉर्निंग में उनकी फ्लाइट थी तो हम चले गए उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज़ मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, बहुत रोना आ रहा था। फिर मैं घर में आके चुपचाप से सो गई उस दिन। उस दिन कुछ भी नहीं किया मैंने। सो बस ये था मम्मी पापा, ये था सॉरी मम्मी आई थी, उनका जो हमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया था उसकी छोटी सी झलक जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको अपने अगले व्लॉग में। टिल देन जय श्री कृष्णा। रख दिया बैक टू पवेलियन में। एक मिनट।